कोविड-19 पीड़ित महिला ने चौथी मंजिल से लगाई छलांग। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर रेखा उम्र लगभग 50 वर्ष कोरोना से पीड़ित थी, जिनका आईसीयू में चल रहा था इलाज। इलाज के दौरान कोरोना पीड़ित महिला ने चौथी मंजिल से लगाई छलांग, जिसका उपचार चल रहा है। महिला अभी जीवित है। यूपी के जनपद झांसी से हमारे संवाददाता विक्रम पटेल की रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। सर, आज एक महिला ने चौथी मंजिल से छलांग लगाई मेडिकल कॉलेज से, क्या मामला है? बिल्कुल, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर हूँ, मेडिकल कॉलेज झांसी में प्रिंसिपल हूँ। मेडिकल कॉलेज झांसी की एक थोड़ा दुखद घटना हुई है। हुआ है कि एक महिला नाम, जिसका नाम रेखा देवी था, जिसकी उम्र 50 साल थी, कोविड के कारण फोर्थ आईसीयू में भर्ती थी ये, और ये ठीक हो रही थी। मैंने इसके वीडियो ऑडियो दोनों देखे हुए हैं और उसमें बिल्कुल प्रदर्शित हो रहा है कि 10 ही मिनट पहले वहाँ पर डॉक्टर अंशुल जैन और डॉक्टर रामबाबू, पूरी टीम नर्सिस की उनसे देख रही है, बात कर रही है। वो मरीज बार बार ये कह रही है, मुझे घर जाने दो, आपने यहाँ क्यों फंसा रखा है उसको। इस तरह की बीमारी को आईसीयू साइकोसिस बोलते हैं। और वो, मैं देख रहा हूँ वीडियो और उसके ऑडियो में, बार बार यही जिद कर रही है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए। जैसे ही देखा मैंने, डॉक्टरों की टीम उसको देख के गई है और जहाँ उसको 1-2 मिनट का गैप मिला, वो अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। वो दरवाज़ा नहीं था, उसने खिड़की को दरवाज़ा मिसटुक किया और अपने बिस्तर से 5-6 मरीजों को पार करते हुए वो खिड़की पर चढ़ी और खिड़की से निकलने की, भागने की कोशिश की। बट वो खिड़की थी, दरवाज़ा नहीं था, और वो खिड़की भी चौथी मंजिल की थी, इसलिए वहाँ से गिर गई है। गिरने के बाद नीचे उसके फ्रैक्चर्स हो गए हैं। जैसे ही विदिन सेकेंड्स मालूम पड़ गया था, उसको तुरंत रिट्रीव किया गया और रिट्रीव करने के बाद उसको इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। मरीज अभी जीवित है, उसका इलाज चल रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, सर्जन ने सभी ने देख लिया है। मरीज को वेंटिलेटर पर ले लिया गया और जो उसका बेहतरीन इलाज होना चाहिए वो उसका वहाँ पर किया जा रहा है। थैंक यू।